अभिनेत्री श्रीदेवी यांचा मॉम हा शेवटचा सिनेमा. मॉम या सिनेमाच्या निमित्तानं त्यांची ही शेवटची मुलाखत पाहूयात. और श्रीदेवी जी, ये फिल्म जो है वो बोनी कपूर जी ने भी प्रोड्यूस की हुई है, तो ये घर की फिल्म है वैसे, पर आपने ऐसे कहा है कि जब फिल्म की जो प्रोसेस थी उस दौरान मैं उनसे बात ही नहीं करती थी, ये सच बात है? सच है, मगर हम लोग बात करते थे, मगर ये प्रोफेशनल की तरह, जैसे प्रोड्यूसर एक्ट में ना हीरोइन की तरह बात कर रहे थे. ये कुछ कॉन्शियस डिसीजन नहीं था जब मैं शूटिंग के दौरान मैं अपने पति से बात नहीं करूँगी, ऐसे कुछ नहीं था. बट ऐसे इतना इंटेंस फिल्म है, इमोशनल फैमिली ड्रामा है, तो उसमें मुझे लगा मैं अपने फिल्म परिवार के साथ मैं इतने जुड़े हूँ. जैसे सजल जो इस फिल्म में मेरी बेटी का किरदार निभा रही है, वो कोई यकीन नहीं करेंगे, मुझे मैम नहीं बुलाती है, मुझे मॉम बुलाती है. सो इतना एक इन्वॉल्वमेंट था उस पिक्चर में. सो इस फिल्म के दौरान मुझे उस कैरेक्टर से मैं बाहर निकल के अपने एक्टिविटीज़ में मैं आई कुडंट कोप अप विद दैट. श्रीदेवी जी, 300 फिल्म है ये आपकी, 300 फिल्म आपके कंप्लीट हो रहे हैं और इसी के साथ 50 इयर्स बॉलीवुड में कंप्लीट हो रहे हैं, तो किस तरह से देखती है आप? मैं यही कहते आई हूँ, ये मेरी फर्स्ट फिल्म लग रहा है और मैं न्यू कमर फील कर रही हूँ. और मैं इतना कह सकती हूँ ये 300 मूवी जो, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, इसीलिए मैं सोचती हूँ ये बोनी जी ने मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट दिए हैं. 300 फिल्में करने का जो अचीवमेंट है वो कितना बड़ा है. और जैसे क्रिकेट में किसी ने एक वनडे में 500 रन बनाए क्या? नहीं ना. 300 रन बनाए? नहीं ना. तो ये उतना बड़ा अचीवमेंट है कि उसको कैजुअली नहीं लिया जा सकता है. बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम आर्टिस्ट यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचते हैं. और इसको बहुत, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. तो मैम जैसे टैलेंट के साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना, उनके साथ सेट पे वक्त बिताना, उनको देखना एक स्पेशल चीज़ है, जिस जो बहुत कम आर्टिस्ट को वो मौका मिलता है. और उस मौके को मैं बहुत ज़िंदगी भर बहुत चेरिश करूँगा. क्या बात है, मतलब जिस तरह से अक्षय जी ने कहा कि आपको देखना, आपके साथ काम करना, मतलब मैं भी जब यहाँ आई तो मैं बस आपको ही देख रही थी, जब आप बाहर गए तब सारे लोग आप ही के पास देख रहे थे. मतलब ये जो इतने साल के बाद भी ये जो ब्यूटी और ये जो है, ये कैसे, मतलब इसका राज क्या है? इसका राज इतना ही मैं बता सकती हूँ, आई एम सराउंडेड बाई सच अ पॉजिटिव पीपल अराउंड मी, जैसे अक्षय है, नवाजुद्दीन जी हैं. इसमें यू नो जो काम करने के लिए खुशी होती है, एक प्राइड होती है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ अभी भी मैं ऐसे फिल्म्स करने का मुझे मौका मिल रहे हैं ऐसे अच्छे एक्टर्स के साथ. और नवाजुद्दीन जी, आपका अनुभव कैसा रहा श्रीदेवी जी के साथ, मतलब उनके साथ डायलॉग्स बोलना, काम करना? देखिए वो तो खैर उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि और जैसे लाइक अभी जैसे अक्षय जी ने भी बात की, 300 फिल्मों का मतलब ये है कि और वापस से जैसे मैम कहती हैं कि मेरी जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पहली फिल्म है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो 300 फिल्मों से सीखा, जो भी एक्सपीरियंस, वो बिल्कुल अनलर्न कर दिया, उसको भुला के फिर आप नई फिल्म कर रहे हैं और ऐसे ऐसा लग रहा है आपको जैसे पहली फिल्म कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आपकी एज एन एक्टर और कितनी पॉसिबिलिटीज़ आप अपने अंदर छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एक एक्टर के अंदर. कि हम लोग तो जैसे लाइक एक्टर के आज के हम लोगों का ये 20-25 फिल्में कर ली, अरे यार आप ठीक है, इट्स ओके, मतलब आप हमारी ग्रोथ रुक जाती है. बट आप अपनी ग्रोथ को कैसे अनलिमिटेड, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है ना, आप जितना भी आप डीप जाते हैं इस फील्ड में, एक्टिंग की डीप में जितना, तो आप इतना स्केयर होता चला जाता है यार कितना डीप और है ये, कितना और खोजनी है चीज़ें. तो थैंक गॉड मैडम का जो एटीट्यूड है मैम का, कि वो अपने आप को आज भी वैसा खुला छोड़ रखा है उन्होंने, कि और भी चीज़ अचीव करनी है,
क्योंकि ये एक्टिंग का जो है ना समंदर होता है, जितना अचीव करोगे और चीज़ें मिलेंगी, तो बहुत बड़ी बात होती है एक्टर्स के लिए, हम जैसे एक्टर्स के लिए सीखने के लिए। श्रीदेवी जी, एक आखिरी सवाल, इससे पहले भी हमने आपको मॉम के किरदार में देखा है, गौरी शिंदे जी की फिल्म में हमने आपको इससे पहले देखा था, पर उसमें एक बहुत ही भोली सी माँ दिखाई दी, पर इसमें कुछ अलग शेड्स लग रहे हैं, पर ऑन स्क्रीन भी आप माँ का किरदार कर रही है, ऑफ स्क्रीन भी आप माँ है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आपके लिए इजी रहा होगा? माँ तो माँ ही है, हर फिल्म में जो उनका प्यार जो बच्चों के लिए होती है वो हमेशा एक ही जैसा है, मगर यस, इंग्लिश विंग्लिश में जो माँ है बहुत ही भोली है, बहुत इनोसेंट और बहुत वनरेबल है, मगर ये माँ ऐसे नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बच्चों के लिए शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर देयर सेफ्टी। और मैं माँ के बारे में एक ही चीज़ कह सकती हूँ, देखिए हर लड़की माँ के बगैर और माँ बने बगैर अधूरी है। So that's so sweet. इस फिल्म के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीनिवास सुब्बा, जयंती वाग्धरे, सी मीडिया, मुंबई। सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।